बहुत ही खुशी की बात है भाई, खड़ी और ले जाओ, एक और ले जाओ। जनता के लागर भाई तुम पचल खड़े खड़े की कर रहे हो, बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय संदीप पहलवान जी धनाना जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, विजय जी धनाना और अमरजीत जी कोच हमारे, और हित केसरी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान प्रवीण रूपका डीएसपी सीआरपीएफ, श्रीमान जी आपने हार्दिक बड़ी खुशी की बात धनवा सर, आपने जो समय दिया और पहलवानों को आशीर्वाद। इसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय चंद्रभान जी एसडीओ मतल गांव से, जो हमारे बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान चंद्रभान जी एस डी ओ मतल से हमारे बीच में पहुंचे। श्रीमान जी आपका काशी पूर्वी दादा खंडा कुश्ती अकेडमी में हार्दिक स्वागत है, बहुत ही अच्छी कुश्ती है, 86 केजी के पहलवान, 86 किलो के भारी भरकम पहलवान, ये 17 वर्ष के पहलवान है। लेकिन सतीश पहलवान जी ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है, ये उभरते हुए देश के नामी पहलवान बनेंगे एक दिन, क्योंकि एक इस प्रकार के आयोजन से अपनी कुश्ती और मेहनत का बहुत ही बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए आयोजन कराए जाते हैं, और समय समय पर प्रकार के आयोजन होते रहे तो हमारा देश दुनिया में कुश्ती के नाम से जाना जाएगा, खासकर विदेशों में आज हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी पहचान। पिछले दिनों आपने देखा ओलंपिक में 7 पहलवान गए, लेकिन 7ों के 7ों हरियाणा के पहलवान, कितना अच्छा तांग दाव पे 4 अंक मिले। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें 4 अंक का इजाफा हो गया, ये मारो तालियां एक बार वनों के नाम की जोरदार है। बहुत ही अच्छा आयोजन सतीश पहलवान जी का आयोजन कराने का जो कार्य किया, और सभी अतिथियों का यहाँ सम्मान किया जा रहा है पगड़ी और मोमेंटो देकर। अगले पहलवान भी अपने आप को वार्म अप रखेंगे भाई सभी, और थोड़ी देर में आज के हमारे मुख्य अतिथि हल्का बादली की शान विधायक डॉक्टर कुलदीप वर्षी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचेंगे पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए, और इस दादा खाना कुश्ती एकेडमी में हमेशा सहयोग के रूप में, चाहे मैच की बात हो चाहे जिम की बात हो, बड़े अच्छे सहयोग से इतनी अच्छी कुश्ती दर्शकों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दोनों पहलवानों का। यहाँ कुश्ती हार या जीत निश्चित है, क्योंकि आप दंगलों में देखते कई बार कुश्ती बराबर रहेगी, और हमारे बीच में श्रीमान चंद्रभान जी एसडीओ गांव मैदल, श्रीमान एक बार आए जी, श्रीमान जी आप ऐसे नहीं मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाए, पहलवानों को आशीर्वाद देंगे आप। इससे अगली कुश्ती में हमारे जज्जर कुश्ती संघ के अध्यक्ष लिल्लू पहलवान जी शुरुआत करवाएंगे, और उनको चंद्रकांत जी एसडीओ साहब भी अगली कुश्ती में आ जाए पहलवान।
बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। इस प्रकार के जो आयोजन आप देख रहे हैं हमेशा कुश्ती की शान है। क्या कहो कैसे अपना कस्टम पर गया भाई ये अनुसूल भाई मेरू कस्टम पर ना चाहिए था बहुत बहुत शुक्रिया आपका पहलवानों को आशीर्वाद दिया। ये 86 kg के कुणाल मांडा जी सगरूप जैविन खाड़ा पहलवान अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनछाड़ा नीरज जी खाड़ा सब्जी पलट गया ना सुन रो बच तो खाड़ा पुनीत का गुलाम की जब बताया जा ये रे अगली किस्ती को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे प्रमोद ठेकेदार जी बदानी और श्रीमान जोगेंद्र चटवारी जी पहलवानों को अपना अगली किस्ती में आशीर्वाद देंगे। खुशी और गर्व की बात है देखिए वो तुले जी ढाकला और हमारे आदरणीय सतीश के पिताजी सूबेदार उमेश सिंह जी प्रमोद ठेकेदार जी और जोगेंद्र पटवारी जी को पगड़ी और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। एक मिनट हो गया इतना अच्छा आयोजन हमेशा यहाँ देखते हैं कई बार मैच की कुश्ती आज बहुत बड़ी पहचान बना चुका है पूरे देश में नहीं दुनिया में। भारत की कुश्ती आज देखिए कितनी खुशी की बात है श्रीमान प्रमोद ठेकेदार जी बदानी अपनी नेक कमाई से 21,000 रुपए का सहयोग किया है। मैं जोरदार तालियां बजाएं भाई प्रमोद ठेकेदार जी के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जिसकी नीयत और नीति अच्छी है ना वो कोई भी कार्य करे चाहे उसमें हमारे बहुत ही आदरणीय समाज के जो दानवीर साथी होते हैं इस कड़ी में प्रमोद ठेकेदार जी भदानी ने भी इस सफल आयोजन के लिए अपनी नेक कमाई से 21,000 रुपए का सहयोग किया है क्योंकि 21,000 रुपए बहुत कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल खोल कर अपना सहयोग करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं भाई प्रमोद ठेकेदार जी का। श्रीमान जी आपने जो अपनी नेक कमाई से इस यज्ञ में आहुति डाली अरे टेमोनो एक मिनट रे दादा खदरा कुश्ती एकेडमी में आपका धन धन दुगनी रात चौगुनी इस प्रकार बढ़ता रहे और आप इसी प्रकार समाज में दिल खोल कर अपना सहयोग करते रहे वो दिन दूर नहीं जब इस प्रकार के जो दानवीर इस प्रदेश में होंगे तो प्रदेश ऊंचाइयों को छुएगा। अगले पहलवान आओ भाई कुणाल मांडा ठीक रूप जैविन खड़ा आए जी आशीर्वाद देने के लिए श्रीमान प्रमोद ठेकेदार जी बदानी आदरणीय जोगेंद्र पटवारी जी उनको मान व सम्मान के साथ लेके जाएंगे देवेंद्र जी ढाकला और हमारे आदरणीय सूबेदार उमेश सिंह जी और देवेंद्र कोच
श्रीमान प्रमोद ठेकेदार जी एक बार दर्शकों को भी वादन स्वीकार करें और वादन हाथ जोड़कर प्रमोद ठेकेदार जी और जोगेंद्र पटवारी जी बड़ा धन्यवाद है श्रीमान प्रमोद ठेकेदार जी का और जोगेंद्र पटवारी जी का, उनको पगड़ी बांध कर सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय सतीश पहलवान जी के पिताजी रिटायर्ड सूबेदार उमेश सिंह जी और साथ में देवंदर जी। धन्यवाद सर। भाई छोटे पहलवान भीतर चले जाओ, उनकी सबकी कुश्ती भीतर होंगे। तीस सैंतीस छत्तीस भाई सारे भीतर जाओ, सभी छोटे पहलवान वर्दूर पता ही गरीब भीतर कट्टा है गठबंधन। अंदर गए सारे पब्लिक भी अंदर चली गई। बहुत खुशी की बात है, आदरणीय जोगेंद्र पटवारी जी ने अपनी नेक कमाई से 1100 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान जी आपका धन्यवाद। और प्रमोद ठेकेदार जी ने 21,000 रुपए का सहयोग किया, श्रीमान जी आपका भी धन्यवाद। देखियो भाई अक्कल पहलवान देखो श्री की बदल जाए जो मनजीत पहलवान वाले कहा अंतर्राष्ट्रीय और पेट देख इसका देख कितना छोटा है। नौ साल का अक्कल भाई लाड प्रगाम से ही कर 74 किलो थोड़ा हा वजन है, घना नहीं है। अच्छा खान नहीं भी लाकर देते हो खेच देगा। पिछले पहलवान आए अंशु छारा नीरज लीलू खाड़ा Thank you.
जय वीर कृपा गोदड़ी पहुंचे हैं। जय वीर कृपा जय वीर हार्दिक स्वागत है भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। जय वीर जी अपने ललियो सतीश पर बोलते हैं। भाई अपने एक पहलवान एक बात आए भाई, 11 वर्ष का पहलवान भाई और 45 किलो वजन गोरो पहलवान सुरपुर दादा खंडा अकेडमी के पहलवान है, एक बार आ जाएगा भाई। उड़ खड़े हो जाओ भाई, गोरो उड़ खड़े हो जाए भाई। 11 साल का है पहलवान ऊपर चढ़ जा, 45 किलो वजन इसका, इसके साथ कुछ करना चाहता है 1100 रुपया नाम इसको भाई। पैंतालीस किलो वजन होना चाहिए। कुश्ती चलने के बाद बहुत है मेरा लिखवा दे इसका नाम। ओ जले हो अरे मेरी भी पड़ी पाओ नहीं नहीं वीडियो बना के रो अरे भाई हूँ वैसे सर्च करनी पड़ेगी है इस वजन की इतने हैं ना मिक्स है सारी अगर 3 घंटे की वीडियो बनाना है रोके जंगल करना है। अरे मैं पूछ लेते हूँ जैसे प्रिंट कौन सा ना और दूसरा हुआ है पर वो संदीप रेडी
चल गोरडिया भाई पर वर्ष का कितना है ओए नीरज किया ये क्या को सर पूरी थोड़ी और बड़े पर जा रहे हम लोग का कमाए मेरा अरे माई विकास मांडोठी सिद्धार्थ बोलिया दो दो मिनट के दो राउंड है भाई ओलंपिक रूला होंगे दो दो मिनट के दो राउंड है दूसरा राउंड शुरू हो गया चल गोल्डिया चल बढ़िया उस पर टेक्निकल है भाई रूल ओलंपिक रूल से होगी ओए बहुत ही चालीस रुपए दे हुआ अच्छा आयोजन गाड़ी चल जान ले लिए थोड़ी देर में हमारे बीच में श्रीमान योगेश रानी जी वाइस चेयरमैन जिला परिषद युवा जिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला दफ्तर पहुंचने वाले हैं कल वालों को अपना आशीर्वाद देने के लिए और सभी रतन सिंह डीपी सर रेफरी का कार्य कर रहे हैं टाइम पे संजय कोच बाउंड वाला मैच चेयरमैन बहुत खुशी की बात हमारे बीच में युवा दिलों की धड़कन हल्का बादली की चाल
योगेश सलानी जी, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला झज्जर के प्रधान श्रीमान योगेश सलानी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। वो साहब खत्म होगी कुश्ती, मान व सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांधकर उनको सम्मानित किया जाएगा और फूल मालाओं से हमारे का सम्मान कर रहे हैं। दादा खन्ना कुश्ती अकादमी में पहुंचने पर युवा साथी भाई योगेश सलानी जी, जिला पार्षद वार्ड, जिला पार्षद के वाइस चेयरमैन और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमान जी, आपका पहुंचने पर दादा खन्ना कुश्ती अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बाल पहलवानों और युवा पहलवानों के बीच में आज ये कि हसी मुकाबले और उसके हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान योगेश सलानी जी, आपके जाने पहचाने हमेशा आपके बीच में रहने वाले योगेश सलानी जी का दादा खन्ना कुश्ती अकेडमी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। साहिल सलाना श्रीमान जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। आदरणीय श्रीमान योगेश सलानी जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। जिला पार्षद रहते हुए अनेकों कार्य किए जिला सत्र में और वाइस चेयरमैन के पद को सुशोभित करे अपने समय के राष्ट्रीय चैंपियन भी पहलवान रहे योगेश चौहान जी का हार्दिक स्वागत है। और बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार के आयोजन में हमारे समाज सेवी और राजनीतिक में इतनी बड़ी पहचान बनाते हुए हमारे अपने समय के पहलवान भी रहे और आज बहुत बड़ी पहचान बना चुके भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, लगातार कई सालों से समाज की सेवा और पिछले दिनों एक अंतर्राष्ट्रीय मंडल कराने का जो जत्र में कार्य किया भाई योगेश सलानी जी ने, समय समय पर कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए जिला पार्षद के वाइस चेयरमैन भाई लक्ष्मण खड़ा साहिल सलाना, हमारे बहुत ही आदरणीय साथी योगेश सलानी जी का दादा खन्ना कुश्ती अकेडमी के संचालक अंतर्राष्ट्रीय सतीश पहलवान जी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। इससे अगली कुश्ती अब आमंत्रित हो तक सोहिल लीलू खाड़ा अपने योगेश जी चेयरमैन और सतीश पहलवान रखा चले देवेंद्र जी, ये सभी अपने पहलवानों को आम की करने के लिए जा रहे हैं। और वो उन साहब भीतर है भाई योगेश जी और मोटा कोच और देवेंद्र जी, एक बार अपने सम्मानित पहलवानों कर रहे हैं जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजा दो एक बार। बहुत धन्यवाद हसी में सर, आपने जो अपना ना जाओ भाई मनते के गए है मानो बताने थी बता दी आजा। एक तरफ जो पहलवान है एक बार हम और चीची परिचय कराए पहलवानों का। अमन जी द्रोतर सोहिल लीलू खड़ा, ये सोहिल पहलवान है जो ये अंतर्राष्ट्रीय लाला पहलवान जी के पुत्र हैं और दूसरी तरफ भी एक उभरता हुआ पहलवान अशोक उर्फ लाला पहलवान जाट रेजिमेंट में सर्विस मेडलिस्ट, उनके लड़के हैं उभरते हुए पहलवान है। दोनों ही बहुत खुशी की बात है। देखिए
किस प्रकार के आयोजन में, अगर किस प्रकार के आयोजन होते रहे वो दिन दूर नहीं। सतीश पहलवान जी ने जब से एकेडमी की है हर तीन चार महीने में एक कंपटीशन कराते हैं, इनका एक संकल्प है मैं बाल पहलवानों के लिए, क्योंकि बड़े पहलवानों की कुश्ती दंगल में भी हो जाती है, नौकरी भी लग रहे हैं, लेकिन ये एक छोटी प्योत जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, इस प्रकार के आयोजन में अगर पहलवान अपनी कुश्ती दिखाएंगे तो बड़ी खुशी होती है, अपना प्रदर्शन व्यक्त करेंगे और अपनी मेहनत में फोकस करेंगे। पहलवान हमारे बहुत ही कुश्ती के जानकार हैं, 8-0 हो गए भाई योगेश सलानी जी, और समय समय पर जिम के माध्यम से भी डाइट के बारे में पहलवानों को मोटिवेट करते रहते हैं। जहां भी अखाड़े में जाएंगे उसके साथ साथ समाज की सेवा और एक सच्चाई के साथ मैं कह रहा हूँ, बधाई नहीं करना मैं किसी व्यक्ति की, लेकिन सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए आदमी ने। 8-0 हो गए भाई, अनेकों दंगल कराने का कार्य किया भाई योगेश सलानी जी ने, चाहे सलानी की बात हो चाहे जजर की बात हो, और अपने समय के राष्ट्रीय चैंपियन पहलवान भी रहे हैं। ये भी एक ये बात करते हैं जितनी मैच में छुट्टी होगी, भीम सतीश खाड़ा आए भाई बड़े पहलवान, ये कुछ अरे एक छोटे पड़ गए भाई को एक जोरदार ताली इन पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। मैं बता दूंगा बढ़िया भाई कलाजन देखिए भाई पूरा कहते दिए तो भाई भारी पड़का थोड़ा पहलवाना था, कोशिश तो की भाई दिए दिल खोल कर देखी। हार जीत खेल का नियम है, लेकिन अपनी कला का प्रदर्शन करे उसको खिलाड़ी बोलते हैं। बड़ी खुशी होती है जब 2008 के ओलंपिक की बात करें हम, सुशील पहलवान जी ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ 2020 तक 4 ओलंपिक में देश के मेडल आना एक सौभाग्य की बात है। और आज हमारे भारत की कुश्ती, जब विदेशों में जाते थे तो सिर्फ एक टूर मारने के लिए जाते, लेकिन आज मेडल लेके आते हमारे देश के पहलवान, बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं। आज हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें कुश्ती में बहुत बड़ा नाम है हरियाणा प्रदेश का। पिछले दिनों आपने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में देखा होगा हरियाणा प्रदेश की झांकी में भी कुश्ती के प्रदर्शन करते हुए पहलवान जा रहे हैं, इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है हरियाणा के लिए। तू दही का खाना जहां छह फटके छोड़े नू मारते मारते देख इतना अच्छा बहुत ही भाई इसकी जीदारी को भाई बलवान अखाड़े का भाई पहलवान भी, और ये खंडड़ा कुश्ती अकेडमी के संचालक सतीश पहलवान जी के जिससे दोनों ही पहलवान भाई 11 साल की उम्र है भाई तोड़ कर दिए बिल्कुल। यश पहलवान जीत गया भाई 500 रुपए की कुश्ती है, ले जा पहलवान तू भी खाली मत मानना है, हार जीत नहीं हुई चलती रहे भाई, ये बहुत लंबा संघर्ष है। बॉम सतीश खाड़ा अमन कौर संधि सतीश खाड़ा बाणिया पहलवान ने भी नाम दिया भाई, बाणिया पहलवान मणिपुर बहुत ही अच्छा भाई क्या बात है, 4 अंक हासिल किए भाई पहलवान ने। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, जैसे आते एक मारता है पहलवान कभी 2 अंक कभी 4 अंक कभी 1 अंक, अंकों के आधार पर कुश्ती का फैसला कर धाक दाव देखिए बहुत अच्छा प्रयास किया भाई लाल कस्टम के पहलवान ने भी
अपना भाव मारा आवाज बंद कर बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा टाइम मारा है वैसा लॉन्ग बधाई के कोची साहब मान दो और कितना को मैं पहुंच भी चाहिए हो यार सती सा खाना साल साल दूसरा बंद पकड़े ओम पहलवान है कोट का और खंडवा कुश्ती एकेडमी प्रैक्टिस कर रहा है भाई भाई बहुत बढ़िया था वहाँ बैठे बुजुर्ग आपके गांव के वहाँ उधर जाओ आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ जाओ शाबाश भाई बहुत अच्छी कुश्ती है भाई पहलवान ने की ओम पहलवान भाई मोई चलाना और भाई मोई थूकनिया तैयार रहे दिखा
मंदिर की बाइक 19% चार जीरो का स्कोर है भाई। ये लग गया दूसरा पान की तरफ पकड़ चार और जीरो का स्कोर है भाई। खुल के फिर निकल जाएगी तो पूरा पेटा करते हैं कट में से ही खा जो लाए बाकी जल जकरी लाग रहा था कट में लाग रहा था नीचे। हाँ आठ जीरो का स्कोर है भाई। अगले पहलवान आए भाई मोहित चुलाना मोहित कुपड़िया उससे अगले दिनेश साहिल उत्सव रामधन इससे भी छोटा बस हो गया पाछा।
आए वह अगला पहलवान दिनेश शास्त्री खाड़ा साहिल लीलू खाड़ा जी बुकड़ तो खा मेरे जी की खानपुर यार मान जाए मेरे पास लाल तो भी हो लाल को बढ़िया लाल देना। देखिए बड़ी खुशी की बात हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित मनसुख जी पटेल गुजरात सूरत से हमारे बीच में बीज कंपनी के मालिक हैं। श्रीमान जी आपका यहाँ ऐतिहासिक भूमि हरियाणा की पचगावा की भूमि दादा खाना कुश्ती अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जो आपने इतना कीमती समय दिया और पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान मनसुख पटेल जी आपका हार्दिक स्वागत है। कितना अच्छा आयोजन और ये पहलवान अमरजीत जी कौन से वजन की चल रही है ये झांसी के जी के ये पहलवान अंडर 17 उम्र एक पहलवानों की बहुत ही अच्छे मुकाबले आप देख रहे हैं लगातार। कितना अच्छा आयोजन बिल्कुल अच्छी व्यवस्था अखाड़ा संचालक अंतर्राष्ट्रीय सतीश पहलवान जी इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस और आप लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने में जो सहयोग किया शांति का दान दिया सभी का दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में पहलवान 500 पहलवानों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है बड़ी खुशी की बात है। तो होएगा यार भाई 0-6 का स्कोर है हमारे ऑफिशियल टीम की जो पूरी हम धन्यवाद करते हैं सभी कोची साहिबान सदर कोच जी मंदोला अंतर्राष्ट्रीय सतीश पहलवान सलानी जो पिछले दिनों सेना से रिटायर्ड और सभी गुरुओं का सम्मान किया गांव सलानी में और उसके साथ साथ हमारे संजय कोच बाउंडोला जी संजय कोच सारा जी राकेश दलाल जी और अमरजीत जी अमित सभी कोची साहिबानों का धन्यवाद करते हैं। मुक्कल मुपड़िया भाई अच्छे
ढिला कर काम करें हो चले काम कर ले तो पाछे है थोड़ा चला के काम कर यार देख यो चला है यो ले यो काम करी है ना काम का उसी खाओ अरे यो काम करो इसे अटल क्या गया ए ए तुम चला लागे अटल 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 बतवा दे हां अरे छोटी का हां चल हो गए भाई से कमा कमाए के बोला रे अरे होल्ड कर ले रे टाइम समाप्त हो चल भाई बिलू बिलू विनर धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन एक बार भी हमारे बीच में हिंद केसरी नरेंद्र पहलवान खूटन श्रीमान जी आप पहुंचे दादा खंडा कुश्ती एकेडमी में। नरेंद्र पहलवान खूटन हिंद केसरी अंतरराष्ट्रीय पहलवान एक बार मंच के आ जाएं हमारी बहुत ही आदरणीय पिंटू जी खूटन और उनके साथी सभी खूटन गांव के सभी नौजवान साथी आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और कितनी अच्छी कुश्ती दर्शकों ये एक पहलवान चित करते हुए और दूसरी तरफ दूसरा पहलवान अपने बचाव में एक बार मारो तालियां जोरदार। आपकी तालियां लग जानी चाहिए बस एक बार। इस प्रकार के आयोजन हमारे सतीश पहलवान जी लगातार इस जगह पे कराने का कार्य किया है और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद
रहा तो एक दिन बहुत बड़ा आयोजन यहां आए भाई सुनील सतीश अखाड़ा राहुल परमजीत एकेडमी राष्ट्रीय लेवल का भी एक दिन यहां बहुत बड़ा कंपटीशन होगा आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं। और इसी कड़ी में एक और हमारे महान शख्सियत कुश्ती के आदरणीय नरेंद्र पहलवान जी भूषण भारत केसरी हिंद केसरी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रेलवे में कार्यरत एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे नरेंद्र पहलवान जी हिंद केसरी का। श्रीमान जी आपने जो अपना समय दिया और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई और अगली कुश्ती जो होगी पहलवानों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में कुश्ती को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में भारत केसरी वीरेंद्र एकेडमी और वह प्रियांशु मातन नरेंद्र फुडन जी और मनसुख पटेल जी गुजरात। श्रीमान जी आप इनको मानव सम्मान के साथ लेके जाएंगे दादा खंडा कुश्ती एकेडमी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखे अनेकों अंतर्राष्ट्रीय देश का नाम रोशन किया है बड़ी खुशी की बात है ये देखिए। और इन पहलवानों को हमारे गुजरात से चलकर हमारे बीच में बीज कंपनी के मालिक जो बीज देते हैं सब्जियों के उनके मालिक हैं सूरत जिला गुजरात पटे मनसुख जी उनको मान व सम्मान का प्रतीक पगड़ी बांध कर दादा खंडा दिया आपका हार्दिक धन्यवाद आपने कीमती समय दिया। और हमारे बीच में राजीव जी दरियापुर और बबलू जी दरियापुर आए हैं श्रीमान जी आप भी मंच के पास आए भाई बड़ी खुशी की बात है देखिए सभी पहलवान और चार दस भाई 11 अड़सठ गाड़ी खड़ी रास्ते में एक बार हटाए भाई परिज रास्ता थोड़ा ब्लॉक है 11 अड़सठ 1168 भाई बड़ी खुशी की बात है कुश्ती दर्शकों के लिए और पहलवानों के लिए विशाल कुश्ती दंगल दिनांक 1 मार्च 2022 गांव खुदड़ जिला जज्जर बहुत ही प्राचीन विशाल कुश्ती दंगल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में गांव खुदड़ जिला जज्जर में हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है और इसमें प्रथम इनाम 51,000 रूपये का है दूसरा इनाम 31,000 रूपये का तीसरा इनाम 21,000 रूपये और इसमें पहलवान पद्म श्री बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट वर्ल्ड चैंपियन मुख्य अतिथि होंगे और कमेटी का फैसला टीम और श्रोमन्ना होगा
1100 से ऊपर की सभी कुश्तियों में चौथा हिस्सा आने वाले पहलवान को भी दिया जाएगा और इसके अलावा भी कई इनामी कुश्तियां। अमित दया अकेडमी और भाइयों जगरूप जयवीर खड़ा संपर्क करेंगे नरेंद्र पहलवान भारत केसरी जय श्री पहलवान विजय पहलवान पिंटू पहलवान हिंद केसरी नरेंद्र पहलवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसको इस सत्र पे पहुंचाने के लिए और बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार के आयोजन में क्योंकि आज मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था हमारे देश के पहलवानों ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है उसमें एक हमारा हीरो चैंपियन बजरंग पूनिया ने भी इतिहास रचने का कार्य किया रवि दैया जी ने योगेश्वर दत्त जी ने सुशील कुमार जी साक्षी मलिक जी अनेकों अगर 1952 की बात करें तो के डी जाधव जी ने कांस्य पदक जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया ओलंपिक में और आज सभी ग्रामीण संस्थाओं में भी सुविधा आप लोगों के सहयोग से लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार के आयोजन अगर होते रहे तो वो दिन दूर नहीं मैट पे भी हमारा देश दुनिया में नाम रोशन करेगा क्योंकि हमारा प्राचीन गेम कुश्ती मिट्टी से जुड़ा हुआ था लेकिन भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा देकर जो बहुत ही अच्छे मुकाबले सचिन वीरेंद्र खड़ा तरुण भी तैयार और पुलिस दागला तैयार है पहलवान आए भाई हम सुचारा सचिन Yeah.
जूम कर देना थोड़ा ये करते हैं हर बार नहीं।
ये कराएंगे बता जानता में तो छोड़ेंगे तीस सेकंड का रेस्ट सकोर लंबू अपना है के लंबू वो कई दिमागी को जीजी का प्यार हजार ना है कई दिन वो कई दिमाग रख दिन में जीजी का प्यार वह ध्यान दो इसमें पालन बनाएगा यो ध्यान दो इस पर थोड़े दड़ो खाया करो थोड़ा डाइट खाओ और करवा दूंगा अपने आप दूंगा गलू 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 पैसी गलू पैसी ओए होए दो पॉइंट दो गट देने दिन गट दे एक पॉइंट वाले काट देना।